सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल, आपके लिए सुन जियो फोन के बारे में लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की टेक्निक। चले शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो फोन से। दोस्तों ऑनलाइन SMS यानी मैसेज कैसे सेंड करें। दोस्तों आप सिम के द्वारा जो मैसेज सेंड करते हैं दोस्तों, हमारे को जब 99 रुपए का रिचार्ज होता है 300 SMS मिलते हैं दोस्तों, इस तरह का हमारे प्लान के साथ मिलते हैं SMS दोस्तों, वो हम ऑनलाइन कैसे सेंड करें। तो विदाउट सिम यानी बिना सिम ऑनलाइन SMS कैसे सेंड करें किसी भी नंबर पे, जो आपको नंबर पे सेंड करने उस तरह सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आईडी कैसे बनानी है मैं आपके लिए सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और दोस्तों आपको सेंड करके भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपको वीडियो देना पूरा, और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अब लास्ट तक नहीं देखोगे तो दोस्तों वीडियो समझ में नहीं आएगी क्या क्या टाइप करना है, कैसे कैसे आईडी बनानी है। तो दोस्तों पहले वीडियो लास्ट तक देखना है, और उसके बाद दोस्तों मैं सेंड करके बताऊंगा इस तरह सेंड होता है। यहाँ पे नंबर डालते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट डालता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और दोस्तों मैंने आपको दोस्तों पिछले 2-3 दिनों पहले दोस्तों आपको बताया था कि पार्ट वन मेरा वीडियो आया था इसका ऑनलाइन SMS सेंड का। दोस्तों मेरे को बोला था कि आप बताना कि आपको आप भी SMS इस तरह सेंड करना चाहते हैं या नहीं चाहते। दोस्तों आपने बोला था कि हम सेंड करना चाहते हैं, और दोस्तों उसके अंदर मैम मैंने यह भी बताया था कि आपको यह दोस्तों उस समय दोस्तों मेरे नेटवर्क था वो प्रॉब्लम था दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने आपको साइट थी वो मैंने ओपन करके नहीं बताई थी, मैंने पहले से ही ओपन कर रखी थी। दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं बोला था कि ये वीडियो फेक है, दोस्तों वीडियो फेक नहीं था, मैं आपको आज आपको उस वेबसाइट पे फुल प्रोसेस के साथ आईडी बनाना सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले डेटा कनेक्शन इसका ऑन करना है, डेटा कनेक्शन ऑन हो जाने के ब्राउजर के अंदर जाना है। ब्राउजर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है यहाँ पे Y2 SMS लिखने के बाद दोस्तों अब इस तरह आपको ओके कर देना है। पहली वेबसाइट है कि इस पे प्रेस करना है, और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों मैसेज सेंड करने की कुछ सीमा होती है दोस्तों, 10 मैसेज 12 मैसेज इस तरह की सीमा होती है। इस तरह दोस्तों हमेशा के लिए फ्री नहीं है दोस्तों, सीमा लिमिट के अनुसार ही हमारे को इसके अंदर मिलता है SMS यानी रोजाना। यहाँ पे हो गया दोस्तों, यहाँ पे नंबर डालने हमारे, और उसके दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर ना हो यानी हमारे को नई आईडी है जो रजिस्टर करनी है। इसको थोड़ा जूम आउट, यहाँ पे लाल अक्षर में लिखा हुआ रजिस्टर, इस लाल रजिस्टर पे प्रेस करना है। रजिस्टर प्रेस करने के बाद दोस्तों अपना नाम क्या है, चलो हम नाम डाल देते इसके अंदर TECHNIC टेक्निकल, मेरा नंबर डाल दिया। अब दोस्तों आपको नीचे आना है, और यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर डालो अपने, चलो नंबर डाल देते हैं, नंबर थोड़ा सही नहीं जाए, नंबर डाल दे दो। और दोस्तों नंबर डाल देने के दोस्तों अभी बोला था कि अपनी ईमेल आईडी लगाओ, दोस्तों मैं अपनी ईमेल आईडी वो भी लगा रहा हूँ। दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके अंदर अपने मोबाइल नंबर अपना नाम और अपनी मेल आईडी, दोस्तों मैं अपनी मेल आईडी वो अपनी लगा रहा हूँ, और मेल आईडी आप थोड़ा सा भी यदि गलत लगाकर लोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आईडी नहीं बनेगी, आपको बोल देगा कि ये मेल आईडी तो रजिस्टर नहीं है गूगल पे @gmail.com। यदि गलत होगा तो आपके सामने इंटरफेस भी आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आप फीमेल है मेल, तो दोस्तों हम मेल के लगा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आएगा डेट ऑफ बर्थ की, अपनी डेट ऑफ बर्थ इस तरह नहीं लगा सकते, आपको ऐसे चूज करना इसका, यानी आपका कुछ भी लगा दो यहाँ पे, एक एक लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो, यानी जो आपके मन मर्जी आए वो आप डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ लगा दी 1-3-2000 दोस्तों, ये नहीं सीधा ही लगा, नहीं रियली नहीं है डेट ऑफ बर्थ। अब दोस्तों यहाँ पे आएगा सिटी कौन सी लगानी है आपको, सिटी अबोर कौन सी दोस्तों, चलो हम नीचे लेते हैं बीकानेर, दोस्तों हमारा जिला है बीकानेर तो बीकानेर को चूज करते हैं, राजस्थान के अंदर बीकानेर दोस्तों उसको हम चूज कर रहा हूँ, BA पर हम पहुंच गए, उसके बाद नीचे आना BH, ये गया बीकानेर, इस बीकानेर को सिलेक्ट करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप इस तरह का सही सिलेक्ट करोगे तो दोस्तों आपके वो सही स्थान पर जाएंगे, दोस्तों सही स्थान पर जाने का चांसेस नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि इंटर द कोड, इंटर दोस्तों कोड यह है दोस्तों, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे GB, मैं दोस्तों यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जी बड़ा है और बी छोटा है, टी भी छोटा है, और यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा दोस्तों, स्पेस दिखाई दे रहा होगा,
स्पेस नहीं आएगा, अब उसके बाद अप आएगा, उसके बाद ए आएगा। इतना लिख देने के बाद आपको दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आई एम यानी इससे सहमत हो जो जानकारी मैंने इसके अंदर डाली है, उसके बाद रजिस्टर ना हो, अभी आप रजिस्टर कर दो। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, दोस्तों नीचे चलते हैं। चलो उसके बाद प्रेस करते हैं, चलो दोस्तों यहाँ पे कुछ और दूसरे जीमेल लगा लेते हैं। दोस्तों इसलिए जीमेल लग नहीं रहे यार, जीमेल दोस्तों एक बार रजिस्टर कर रखी है मैंने, हमने जीमेल है वो दूसरी लगा दी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, और यदि दोस्तों जीमेल सही नहीं होगी तो आपके सामने इंटरफेस भी तरह का नहीं आएगा, @gmail.com। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सॉरी दोस्तों हम रह गया था, तब दोस्तों अपनी चलते हैं, दोस्तों ये बोल रहा था कि हम आपने नहीं लिखा दोस्तों, तो मेरे साथ जीमेल है वो एक बार रजिस्टर हो गया, तो अब की बार है दोस्तों इंटरफेस चलने लगे हैं आपके सामने। दोस्तों वीडियो लंबा बनेगा, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पूरा देखोगे तो वीडियो जो समझ में भी आएगा। दोस्तों बोल रहा है कि अपने पासवर्ड डालो, चलो हम पासवर्ड दोस्तों थोड़ा आपसे थोड़ा पासवर्ड तो छुपा रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको बता दूंगा। और दोस्तों ऊपर यहाँ पे OTP भी आए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने। मैंने पासवर्ड दोस्तों डाल दिया दोस्तों आपके सामने, और यहाँ पे लॉग इन पे प्रेस किया मैंने, इनक्रेड नंबर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इंटर पासवर्ड दोस्तों, ये पासवर्ड वो पासवर्ड दोस्तों जो हमारे मैसेज में आए हैं। चलो तो मैसेज ओपन करते हैं, अब ये मैसेज ओपन हो रहा है, चलो ये ओके। Y2SMS और यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड है D8283K दोस्तों, इस तरह का पासवर्ड दे सकते हैं आप यहाँ पे D8283K। अब दोस्तों इसको याद करना पड़ेगा, अब दोस्तों आपको हमारे डालना है हमारे को यहाँ पे बड़ी ABCD में लगाना पड़ेगा, ये दोस्तों कुछ गड़बड़ होगी तो दोस्तों रजिस्टर हम नहीं कर पाएंगे। 8283 और उसके बाद K लगाना है आपको, K लगाने के बाद दोस्तों ये जो मैसेज आए दोस्तों उस नंबर पे, उसके बाद आपको लॉग इन करना है, और यहाँ पे करंट पासवर्ड चलो इसको छोड़ो दोस्तों, पासवर्ड पूछ रहे यानी पासवर्ड हमारे को दोस्तों एक बार पासवर्ड जो दोस्तों करंट पासवर्ड है वो भी हमारे को, चलो दोस्तों पासवर्ड पढ़े एक बार, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना दोस्तों, और यहाँ पे स्किप भी करते हैं दोस्तों, स्किप होता है या नहीं होता है, स्किप तो हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब दोस्तों आपको मैंने उस दिन वीडियो बनाया था वो दोस्तों यहाँ से बनाया गया था मैंने दोस्तों, ये उसको पहले लॉगिन कर रखा था, और उसके बाद दोस्तों आपके सामने शूटिंग चालू कर दी थी मैंने वीडियोस की। दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट थोड़ी लोडिंग लगी नीचे आना आपको, और यहाँ पे बोलेगा अपने मोबाइल नंबर डाल दो, और यहाँ पे जो टेक्स्ट भेजें दोस्तों आप यह जो जो मैसेज भेजें दोस्तों उसके दोस्तों अपने मोबाइल नंबर है वो नहीं जाते दोस्तों, इसके अंदर क्या था दोस्तों अपने अभी दोस्तों जिस तरह हमारी को पता है कि कंपनी वाले जो भी मैसेज आते हैं मान लो वोडाफोन एयरटेल कौन सी भी कंपनी जियो कौन सी भी दोस्तों उसके अंदर आता है ऊपर आपको लिखा हुआ होता है कि BK इस तरह का इंटरफेस होता है, उस तरह ही इसके अंदर SMS आता है। चलो मैं दोस्तों यहाँ पे एक टाइप कर रहा हूँ नंबर टाइप कर रहा हूँ दोस्तों, यानी सिम का ही टाइप कर दोस्तों, सिम पे ही मैसेज सेंड करते हैं दोस्तों, दूसरा मोबाइल मेरे पास यहाँ पे है नहीं अवेलेबल दोस्तों, दूसरे दोस्तों इसके अंदर लगभग लिमिट होती है 6 या 7 मैसेज की, 637 855 2530 इसमें नंबर डाल दिया, नंबर तो सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, ये नंबर गलत हो जाए तो मैसेज दूसरे व्यक्ति के पास चले जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे टाइप कर रहे हैं TECHNICAL टेक्निकल NUMBER नंबर फर्स्ट। और दोस्तों आप सोचोगे कि मैसेज दूसरे व्यक्ति ने सेंड किया, दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों इस कीबोर्ड को इस तरह इंटरफेस पर कर देख सकते हैं आपने, मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं इतना बड़ा मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, कटेगा
और को यहाँ पे अब दोस्तों आपको सेंड पे प्रेस करना है, सेंड एसएमएस। वैसे जब वो सेंडिंग हो गया, अब थोड़ी सी थोड़ी देर ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एसएमएस सेंड हुआ है, तो वेबसाइट थोड़ा रुक जाएगी, उसके बाद एसएमएस आ जाएगा आपके सामने। थोड़ा यहाँ पे वेट करते हैं दोस्तों, वेट करने के बाद दोस्तों एसएमएस आ जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर क्या दोस्तों, आप अपने यहाँ पे रिचार्ज भी कर सकते हैं। नहीं कभी कभी क्या होता है कि अब दोस्तों ऊपर से आ रहा है कि अपने मोबाइल का डेटा एसएमएस दोस्तों आगे दोस्तों देख सकते हैं, टेक्निकल नंबर वन और जे जी हमने लिखा था, और इसको चलो ओपन करते हैं। और यही एसएमएस था, आपको पता होगा दोस्तों जो हमने टाइप किया था यहाँ पे टेक्निकल नंबर वन, तो ये तो हमने एकदम सही लिखा था। उसके बाद दोस्तों हमने इस तरह लिखा था जे टी इस तरह हमने 8-7 इस तरह लिख दिए। उसके बाद आपको मैंने बोला था कि सेंड करते हैं दोस्तों, एसएमएस सेंड होता है दोस्तों। उस दिन दोस्तों मैंने उतना ही बताया था कि आपको आईडी ब्रांड नहीं बताई थी दोस्तों, वो मैंने पूछा था आपको कि हम इस तरह का वीडियो लाएं क्या आपके लिए, तो दोस्तों आपने बोला था कि वीडियो लाना चाहिए आपके लिए, हमारे लिए इसलिए इस तरह का वीडियो। और दोस्तों कुछ नहीं बोला था कि वीडियो रियल नहीं है, वीडियो फेक है दोस्तों, वीडियो फेक मैं कभी इस चैनल पर डालता ही नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके लिए गलत जानकारी दें दोस्तों गलत वीडियो बनता है, यानी जो चैनल की इफेक्ट है वो गलत बन जाती है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो दोस्तों वो रियल डालता हूँ हमेशा के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमने दोस्तों एसएमएस आपको सेंड करके बताया दोस्तों। एक बार आपको टाइप एक बार आपको ऑप्शन बता दो कि टाइप क्या करना है, वाई टू एसएमएस दोस्तों, यहाँ पे एक बार ब्राउजर करने जाओ दोस्तों, एक बार बता दो टाइप क्या करना दोस्तों, वाई टू यानी वाई दो एसएमएस, इस तरह करो दोस्तों। इस तरह करने पर आपको इंटरफेस आएगा, इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है। तो आपके आईडी में मैंने बताई दी वीडियो के अंदर, तो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, वीडियो करना शेयर अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो आए दोस्तों जियो फोन के कोई भी अपडेट है दोस्तों टेक्निकल वीडियो, उसको आप सबसे पहले देख पाए। और दोस्तों मैंने आपको आईडी ब्रांड सीखा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारे को वीडियो अच्छी लगी है, ताकि दोस्तों मेरे को पता चले दोस्तों वीडियो पसंद आया। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जितना उसके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, ताकि दोस्तों वो भी दोस्तों इस वीडियो देखे दोस्तों, और वो भी दोस्तों इसके अंदर जो प्रोसेस बताए हैं वो देखकर दोस्तों अपने मोबाइल के अंदर आईडी बना ले और ऑनलाइन मैसेज सेंड कर सके। और दोस्तों आपको बता दो इसके अंदर दोस्तों 5-6 मैसेज ही सेंड होते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों वो आता है कि रिचार्ज करो, आपकी रिचार्ज कम है नहीं कम है, आपके पास 1000 नहीं है, उसके अंदर रिचार्ज भी कर सकते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, और एक मैसेज का 20 पैसे लगते हैं, और 6 मैसेज होते हैं पहले वाले वो एकदम फ्री होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक, वीडियो शेयर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट साथ, धन्यवाद।